भी तड़प रहे हैं जैसे ही तड़प रहे हैं, ये चाहते हैं और कुछ चाहते हैं। उसकी बहन है, ये सब में बड़ी वाली बहन है, पता चले ना क्या होता है, दर्द क्या होता है। इसी को यही कहना चाह रहे ना भैया, हमें इंसाफ चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है बस। मैं सामने थी सुबेरे 3 बजे वो होया है, पहले मेरे घर गए, मेरे घर पे मेरा लड़का नहीं मिला है, तो मेरी बहू थी नीचे वाले घर में, मेरी बहू थी ऊपर वाले घर में, मैं थी। मेरी बहू क्या कह रही, कह रही मम्मी यहाँ पर 10-15 लड़के आए थे। मैं कह तूने मेरे को क्यों नहीं जगाया, कह रही मम्मी ललित भाई के घर की तरफ गए। मैं तुरंत वहाँ से घर अपने बाहर से कुंडी लगा के सीधे मैं ललित के घर आई हूँ। ललित के घर आई तो जब वो लड़के चले गए, वो लड़कों के घर पर बहुत सारे पत्थर, ईंट पत्थर मारे दरवाजों पर, दरवाजे टूटे हुए, ईंट पत्थर मारे। मैंने तुरंत जिस लड़की के गोली लगी है ज्योति के, उस ज्योति ने फ़ोन करा 100 नंबर पर। 100 नंबर पर फ़ोन करने के बाद 10-15 मिनट बाद वो लड़के तुरंत आ गए, दोबारा आ गए। दोबारा लड़के आने के बाद उन्होंने ना पूछा नहीं, उससे ललित से बोला मेरे साथ चलो, वो कह रहा मैं क्यों चलूँ, बस इतनी बात हुई। उन्होंने पीछे से लड़के ने गोली चलानी, जो बात करनी है ही करो ना, मैं क्यों चलूँ साथ में, इतने में गोली चला दी, इतने वो निकल गई साइड से गोली, लड़के का बहन आ गई पीछे, बहनों का लग गई गोली। दोस्तों अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और आरके पुरम की ये घटना है, जहाँ पर सरेआम और जहाँ ये बस्ती है पूरा पॉश इलाका है, उस इलाके में एक बंदा 3 बजे रात में आता है, दरवाज़ा पीटता है, उसके बाद ललित नाम का लड़का दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद उसको ज़बरदस्ती करके खींच के लेके जा रहा होता है। उसी दौरान ललित की दो बहन जो है वह आती है और अपने भाई को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए आती है। उसी दौरान वो बंदा गोली चला देता है, ललित तो बच जाता है लेकिन दोनों बहनों को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद दो बहनें हैं वो गिर जाती है नीचे, और गिर जाने के बाद फिर उन्हें बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आप मैं कह रही हूँ जो बोड़ी इन्होंने दी है सफदरजंग से, बोड़ी हम ऐसे कैसे ले लेंगे, पहले हमें इंसाफ दिलवाओ, जो उनके साथ हुआ है वो तो करवाओ। अब वो आपकी मांग है, पुलिस वाले से तो हम यही बोलना चाहते हैं जो भी मुजरिम है ना उनको हमारे सामने लिया जाए, हम उनसे ये पूछेंगे ऐसे कैसे कर दिया तुमने, उसके बच्चे अनाथ हो गए उनको कौन देखेगा, हैं उसके बच्चे नहीं है। हम भी ये चाहते हैं कि हम उनको ना हम सामने से मारेंगे गोली, हम ये चाहते हैं, हम पीठ पीछे नहीं आते वार को वार करनी, हम सामने से मारेंगे उसको, हम ये चाहते हैं इंसाफ चाहिए हमें। हम बोड़ी जब ही हमारी बोड़ी यहाँ पे आनी चाहिए, जब हमें इंसाफ मिलेगा यहाँ पे, तुरंत इंसाफ चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये बात पुलिस वालों को भी हम ये बोलेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए, पहले इंसाफ दो हमें, इन बच्चों को कौन देखेगा, इनका कोई है आगे पीछे ये बताओ, ये उसका बेटा है सब में बड़ा, ठीक है, दो बच्चे और हैं उसके, दो लड़कियां उसकी कुंवारी बैठी है बड़ी वाली दीदी की, उसको कौन देखेगा, पहले हमारे को इंसाफ दिलाओ तब जाके सारे काम होंगे। बाद में कुछ नहीं होने का, हमको पता है ना, मीडिया वाले आज आ जाए कल कौन सा आएंगे यहाँ पे, सब अपने अपने नंबर बना रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, हम कुछ होने नहीं देंगे, हमारे को इंसाफ चाहिए बस। हम ये कह रहे हैं जैसे इनके घर में 2 मौत हुई है ना, उसकी जगह पर 10 होनी चाहिए उनके घर में, उनकी बहनें भी मरनी चाहिए, उनकी माँ भी मरनी चाहिए, ठीक है, जैसे ये बच्चे बरान हुआ ना उनके बच्चे बरान होने चाहिए ऐसे, ये बात है और कोई बात नहीं है, सबको इंसाफ दिलाने चाहिए। हाँ वो भी तड़प रहे हैं जैसे ही तड़प रहे हैं, ये चाहते हैं और कुछ चाहते हैं। ये उसकी बहन है, ये सब में बड़ी वाली बहन है, पता चले ना क्या होता है, दर्द क्या होता है। इसी को यही कहना चाह रहे हैं ना भैया, हमें इंसाफ चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है बस, इतना कहना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, माँ का फर्ज कोई नहीं पूरा करता, कितनी भी मौसी हो कैसा भी हो, बस मुझे ये चाहिए भैया, ज़्यादा हमें कुछ नहीं बोलना सर, हम यही चाहते हैं कि बस जो भी हो अच्छा ही होना चाहिए, इंसाफ ही मिलना चाहिए सर हमें, तुरंत ही हमारे सामने लेके आओ, हम पीठ पीछे थोड़ी ना मारेंगे, हम इसके सामने तो गोली मारेंगे, पर एक बार आए तो सही, वो हमारे सामने लेटे बंद कर करके मार रहे हैं, औरतों पे वार कर रहे हैं, औरतों पे झुग्गियों में वार कर रहे हैं, बताओ शर्म है उन्हीं चाहिए, उनका क्या गया तो हमारा, हमारे बच्चों का गया, कुछ नहीं है, ये थोड़ी देर की डमडमी है, खत्म हो जाएगा, कोई नहीं देगा कुछ भी, तो हमें उनके जो जिन्होंने हमारों को गया है ना उनको हमारे सामने पेश करा जाए और उनसे हम लेंगे बदला, कि बदला क्या होता है और मारा कैसा जाता है बस, और आगे भैया हमें बोलना नहीं होता, हमें इंसाफ चाहिए बस, इंसाफ तो सर हमें चाहिए। सुबह तो नहीं आई पुलिस, नहीं जब 4 बजे फोन करा गया आवाज़ पुलिस वाले आए, सुबह तो नहीं आई थी, जब फोन करा, जब 16 नंबर पर कॉल करा, जब नहीं आई पुलिस, कितने बजे करा था फोन? सुबह हमने 3:30-4 बजे फोन किया, 10-15 मिनट बाद गुंडे आ गए वो,
वो गुंडे आ गए, उन्होंने तार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उन्होंने तो धड़ाई धड़ करना शुरू कर, उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा उन्होंने। अभी बताओ 16 नंबर कॉल करो तो पुलिस को आना चाहिए था ना, क्या करना है पुलिस यहाँ लड़कियों को उठा कर लेके गाड़ियों में डाल के, तो अभी जब तक भी नहीं आई पुलिस, अब कौन घंटे में आइए, एक घंटे कौन घंटे के बाद आइए पुलिस, तो इन पुलिस वालों का भी तो फर्ज बनना ना कुछ, ये सिर्फ सिविल वर्दी पहन के बैठे रहते, कुछ नहीं करते, सिविल वर्दी पहन के बैठे रहते कुछ नहीं करते, बदमाश है वो आगे बढ़ जाएंगे, वो तो पैसा भर देगा, बदमाश है वो तो बदमाश है, वो मोटा पैसा भर देगा, पुलिस भर लेगी पैसा, हाँ वो बदमाश है, वो सट्टे वाले का लड़का है वो, उस पर इतना नोट और सट्टा चलाता, नोट भरता है वो सीधे से, पुलिस वाले नोट खाते हैं, खबर आ रही है कि पैसे के लेन देन को लेकर के सर खाली 10-15 हज़ार रुपए का थे, वो भी हमारे बस्ती के लड़के से बात थी, उस उन्होंने कुछ बात नहीं थी, इधर के लड़के से बात थी, उधर से कुछ बात नहीं, यहाँ के लड़कों ने गुंडों को बुलवाया वहाँ पे, यहाँ के वहाँ के बच्चों से कोई बात नहीं थी हमारी, यहाँ के लड़के से हुई है, उनका क्या मतलब है, उनसे ना कोई दुश्मन आगे ना कोई बात हुई है, उसे तो और बचाया था भड़ुए को, उसको बचाया था, बचाया था और हमारे बच्चों को मार के बचाया था उस लड़के को, यहाँ से एक लड़के को 10-15 दिन पहले मार के गए, तो ललित ने उस लड़के को मारा, जो आज मार के गया था, किसी और लड़के को मार के गया था, हमारी कोई दुश्मन आगे नहीं थी, वो ललित ने बचाया था, चलो छोड़ो गोली मार के गया, जिस लड़के को बचाया था वही लड़का गोली मार के गया, हाँ जी गोली मार के चला गया, नहीं तो उसको फिलहाल तो वो गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार हुआ क्या करना है, गिरफ्तार वो छूट जाएगा, अभी ना हुआ वो छूट जाएगा, नहीं हुआ अभी ना हुआ, सबूत दिखाओ, हमें क्या पता, हमने क्या देखा, हमें कहाँ हुआ गिरफ्तार, आपको इसके बारे में कितना मालूम है कि प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, क्या हमें कार्रवाई ये चाहिए, वो हमारे सामने होनी चाहिए, बस हम ये चाहते हैं, हम और कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, वो हमारे सामने होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हम इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, बस यही बोलेंगे जो उनके साथ हुआ है ना उससे गंदी मौत ना हम देंगे उसको, खड़ा करके यही चौराहे पे, ये हम चाहते हैं बस, जैसा उनको मारा है ना अब इसके बड़े हम चाहते हैं कि उनको मारे, थोड़ा सा हमें बताइए कि सुबह में कितने 3 बजे घटना है, 3 बजे घटना हुई है, 3 बजे वो लड़का आया, दरवाजा पत्थर तोड़े, मैं सामने थी, सुबह 3 बजे वो होया है, पहले मेरे घर गए, मेरे घर पे मेरा लड़का नहीं मिला है, तो मेरी बहू थी नीचे वाले घर में, मेरी बहू थी ऊपर वाले घर में, मैं थी, मेरी बहू क्या कह रही मम्मी यहाँ पर 10-15 लड़के आए थे, मैं कह तूने मेरे को क्यों नहीं जगाया, कह रही मम्मी ललित भाई के घर की तरफ गए, मैं तुरंत वहाँ से घर अपने बाहर से कुंडी लगा के सीधे मैं ललित के घर आई हूँ, ललित के घर आई तो जब वो लड़के चले गए, वो लड़कों के घर पर बहुत सारे पत्थर ईंट पत्थर मारे दरवाजों पर, दरवाजे टूटे हुए ईंट पत्थर मारे, मैंने तुरंत जिस लड़की के गोली लगी है ज्योति के, उस ज्योति ने फ़ोन करा 100 नंबर पे फ़ोन करने के बाद 10-15 मिनट बाद वो लड़के तुरंत आ गए, दोबारा लड़के आने के बाद उन्होंने ना पूछा नहीं उससे, ललित से बोला मेरे साथ चलो, वो कह रहा मैं क्यों चलूँ, बस इतनी बात हुई, उन्होंने पीछे से लड़के ने गोली चलानी, जो बात करनी है करो ना, मैं क्यों चलूँ साथ में, इतने में गोली चला दी, इतने में निकल गई साइड से गोली, लड़के का बहन आ गई पीछे, बहनों का लग गई गोली, अभी भी आप लोगों को खतरा है, अभी भी खतरा है, हमें खतरा है, अपने बच्चों का खतरा है, खतरा क्यों नहीं होगा, जिसके ऊपर गोली चलनी थी वो तो अभी जिंदा ही है, उसके मन में तो यही रहेगा कि इसको तो जिंदा उसके अंदर डाली तो भई ये भाई ऐसे भी करके मार रहा है, गोली को अंदर मार के थे केड़ी करके अंदर फिर मार के थे, नाम तो बस्ती यानी बस्ती को अभी जिसके ऊपर वो मारने के लिए आए थे, जिसकी ओट में वो हुआ था अन्ना वन्ना जो भी है, हमारे सामने लेके आओ बस उसे, हम नहीं जानते कुछ भी, पुलिस वालों का जब पुलिस 4 बजे का कॉल कर रखा, वो आ रहे सुबह 7 बजे, किसकी गलती है, हमारी है उनकी, पुलिस वालों ने कार्रवाई गलती है, हमको जब हॉस्पिटल बोलेंगे, हमें न्याय मिलना चाहिए और उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, या इधर आए वो, या तो उसको फांसी की सजा दी जाए और ऐसी गोली मारी जाए उनके खानदान को, उनके बच्चों को, हम ये ना चाहते, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसको भी, जैसे उनके बच्चे वीरान हुए वो भी वीरान हो, हम इतना चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए, वो तो ऐसा रात को हमें भी मार सकते हैं, औरों को भी ऐसा कर गए तो रात को भी कर सकते हैं, वो तो ऐसा काम, हमें जरूर सजा उनको मिलनी चाहिए,
दोस्तों अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और आरके पुरम की ये घटना है जहां पर सरेआम और जहां ये बस्ती है पूरा पॉश इलाका है, उस इलाके में एक बंदा 3 बजे रात में आता है, दरवाज़ा पीटता है, उसके बाद ललित नाम का लड़का दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद उसको ज़बरदस्ती करके खींच के लेके जा रहा होता है। उसी दौरान ललित की दो बहन जो है वह आती है और अपने भाई को बचाने के लिए आती है। उसी दौरान वो बंदा गोली चला देता है, ललित तो बच जाता है लेकिन दोनों बहनों को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद दो बहनें हैं वो गिर जाती है नीचे और गिर जाने के बाद फिर उन्हें बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आप लोगों का आरोप है कि पुलिस बहुत लेट से आती है। तो मैं जब उठी थी तो आवाज़ आ रही थी, मैं बोली पता नहीं क्या हो रहा, बड़ी फैट चल रही थी, धड़ाधड़ फैट चल रही थी अंदर भी और बाहर भी। तो मैं जैसे लिख ली हूँ ना तभी वो फैट करते हुए गए, फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तो वो तो हमें भी लग सकती थी गोली, वो तो चलाते जा रहे थे। अच्छा। फिर ये जिनको गोली लगी वो पीछे थे, वो पहले भाग रहे थे सारे। ये हमने ये पौस इलाका है और इस मोहल्ले में आ करके और जिस तरीके से वो गोली चलाया है ना, मतलब बिल्कुल भी प्रशासन का पुलिस का बिल्कुल भी भय नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल नहीं, हमें मिलना चाहिए या उसको यहाँ पे बुलाओ या हम उनको मारेंगे। बाबू मानना चाहिए आराम ज्यादा। इन लोगों की मांग यही है कि जिस तरीके से आरोपी ने यहाँ आ करके सरेआम मारा है गोली दो बहने को, उसी तरीके से इंसाफ मिलनी चाहिए। और हम तो न्याय की बातें करेंगे, पुलिस को भी जल्द से जल्द इन लोगों को न्याय देना चाहिए। देखो ऐसा है, बस हाथ जोड़ के यही है, देखो हमें इंसाफ चाहिए। मेरी दोनों बेटी है, मेरी बड़ी बहन की बेटी है, मेरी बेटी है, ठीक है, दोनों बेटियां बच्चेदार हैं। एक छोटी है जो ज्योति, उसके 3 बच्चे हैं, एक लड़की दो लड़के हैं, और छोटे ये नादान बच्चे बिन माँ के बच्चे हो गए। दो बेटी है पिंकी की, जो मेरी जवान बेटी हैं वो भी बिन माँ की हो गई। देखो मौसी है, नानी है, हम सब हैं, लेकिन जो माँ कर देगी वो हम लोग नहीं कर सकते। छोटी ज्योति है, उसके हस्बैंड किसी काम के नहीं है, ठीक है, और बड़ी वाली है वो बेचारे बीमार रहते हैं, देखो उनके ऊपर कुछ नहीं है। लड़की हमारी चली गई, और बेटा जो हमारा ललित है वो जो गुंडा है वो बहुत पैसे वाला है, ठीक है, वो केड़ा कॉलोनी का है, सट्टे का बहुत बड़ा वो है, एक गेम का जाता है ना बदमाश, वो बहुत बड़ा बदमाश है और पैसे वाला है। और देखो ये 2006 में हमारे साथ एक हादसा और हुआ था, मेरे भाई का हुआ था वो भी, ठीक है। तो पुलिस थाने के अंदर इतनी मोटी गड्डी गई थी और मेरे को एक सूचना दी गई थी जब मैंने वो पकड़ा था वहाँ थाने के अंदर, ठीक है। तो कोई गारंटी नहीं है थाने की कि थाने में नोट जाएंगे, अभी तो पुलिस बैठी है, अभी सुन रही है, लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद जाएंगे और हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। जिस तरीके से ये घटना सरेआम घटित हुई है, इस वजह हिम्मत के वजह से आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन पे से भी भरोसा उठ गया हुआ है, लेकिन आप फिर भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय मिले। जो मेन कसूरवाद है ना, अन्ना जो है, मेन अन्ना है, जो और 4-5 लोग हैं वो पकड़े गए हैं, अभी मेन अन्ना फरार है, जो मेन मुद्दा है उसको पकड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वो कभी भी जमानत पर किसी तरह से छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे ना हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे वापस नहीं आएंगे। और अभी आगे मेरे 2 बेटे हैं और मेरा बहुत बड़ा परिवार है, जो ललित मेरा बेटा है उसको मारने के लिए आया था, गारंटी नहीं है अभी वो उसको भी मार सकता है, उसे भी खतरा है, हाँ उसको भी खतरा है, उसके बच्चे खतरा है, हमारे पूरे परिवार को खतरा है, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी उसके खानदान तक सजा होनी चाहिए। ललित का कौन लगती है? मैं मौसी हूँ। मौसी हैं दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ललित की मौसी है, ये बड़ी बहन है और आप पड़ोसी हैं। मामी हूँ। सारे रिश्तेदार लोग यहाँ आए हुए हैं घटना हो जाने के बाद, और इन लोगों को अभी भी जो है विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं। इन लोगों को लग रहा है कि वो छूट जाएगा बंदा, इसीलिए इन लोगों को न्याय चाहिए, क्योंकि अब तो बहन नहीं है इस दुनिया में। लेकिन फिर भी जो ललित अभी है उसको भी जान का खतरा है, उसी को बचाने में गई हैं, बेटे को बचाने के, कि बेटे को ललित को मारने के लिए आया था, उनने अपने भाई को बचाया और दोनों बहनें आगे अड़ गई और उनकी इतनी हिम्मत हो गई, एक बार चले गए, दरवाज़ा तोड़ा, पत्थर मारे, घर में घुस के हमारी बहन बेटी बहू बेटियों के साथ ऐसा करा। जब बेटे को बहन को बहनों ने भाई को निकाल दिया, देखो बहन तो एक होती है अपने भाइयों के लिए, उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन और किसी को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन देखो उनकी मैयत ना, उनकी मौत को ना, जब तक चैन नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर ऐसे कानून ने छोड़ दिया ना उनको, तो फिर तो नालंदा है कानून,
कि ये नहीं देगा तो इंसान। और अभी मट्टी अभी उठ जाएगी, उसके बाद सुनवाई नहीं होगी। मट्टी हम जब जो जिन बंदों को तुमने पकड़ा हो हमें बता दो कहाँ है वो। दाग लगने से पहले वो बंदे हमें बंदे मिलने चाहिए, और जैसे सजा इनको मिली है वैसे उनको मिलनी चाहिए, उससे कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी उनकी माँ बहन। और अभी तो चलो इनके साथ हुआ है, अब हमारी पूरी बस्ती भी तो है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये महिलाएं जो है वह रिश्तेदार लोग हैं ललित के, और जिस तरीके से ललित के बहन की मृत्यु हो गई है, जिस तरीके से गोली मार के हत्या कर दी गई है सुबह तड़के, उसी ये लोग है इंसाफ की मांग कर रहे हैं, काफ़ी आक्रोशित है, गुस्से में है प्रशासन पर, सरकार से ये लोग बार बार सवाल कर रही है कि इस तरीके से चीज़ें और भी देश की राजधानी में हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बातें हैं। और ये छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों, लेकिन ये भी तारीफ करने की बातें हैं कि एक भाई को बचाने के लिए बहन किस तरीके से कुर्बान हो जाती है।